हेलो टॉरस, वेलकम टू योर माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपकी अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर टॉरस। टेन ऑफ मून। Six of Moon. Three of Wands. The Three of Swords. And the chariot. Okay, तो हमारे पास है सिक्स ऑफ मून। आई थिंक टॉरस, इस वीक में आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा इंटेंस रहेंगे। आप इस पर्सन को अपने ड्रीम्स में देख सकते हैं। इनफैक्ट इस वीक में जो आप ड्रीम्स देखेंगे उनके मीनिंग पर गौर कीजिए। ये ड्रीम्स आपका इंट्यूशन है, आपको गाइड कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ रियलिटी जरूर होगी। इसके अलावा ये ड्रीम्स आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। शायद ये पर्सन आपसे वो बातें नहीं बता पा रहा, इसीलिए ये जो एनर्जीज हैं ये एक दूसरे फॉर्म में अपीयर हो रही हैं। हो सकता है कि आप कुछ ड्रीम करें एक दिन और अगले दिन आपको लगे कि सेम वैसी ही चीज हो रही है, या आप कुछ वैसा ही डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो अभी आपको जानना है। अगर आप सोच रहे थे कि आपके और इस पर्सन के बीच का कनेक्शन कट ऑफ हो गया है या फिर ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, तो शायद इसका हिंट आपको मिलेगा इस वीक में। और इसके अलावा ये पर्सन भी आपके बारे में ड्रीम कर रहा है। यहाँ पर एक सबकॉन्शियस कनेक्शन है। ओके, ये ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते, एंड पर इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं। आपको लगेगा कि ये मिस्टिकल बातें हैं, बट हाँ, सबकॉन्शियस ऐसे ही वर्क करता है। सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, हमारी जो दबी हुई फीलिंग्स हैं, हमें कभी कभी ये रियलाइज भी नहीं होता कि ये फीलिंग्स हमारे अंदर हो सकती हैं, किसी चीज का डर या कुछ और। एंड मुझे लग रहा है इस वीक में ये चीजें सरफेस पे आ रही हैं और आप जान पाएंगे कि आपको अपने रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। यहाँ टेन ऑफ मून है। टेन ऑफ मून के साथ आपको दूसरे लोग एक रिस्पेक्टेड नजर से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे कप्स हैं और इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुत सारी खूबियां हैं। आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपके आसपास रहेंगे, दूसरे लोग आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे, एंड हर कोई आपको जानना चाहेगा। टॉरस, यहां पर लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप जिससे भी मिलेंगे वो आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहेगा, इस हद तक कि शायद आप थोड़ा इरिटेट भी हो जाए। आपको लगेगा कि लोग अपनी लाइफ से मतलब क्यों नहीं रखते, मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं या इतने सवाल क्यों कर रहे हैं। पर आप है ही मिस्टीरियस इस वीक में। ओके, हर कोई जानना चाहता है कि आप कौन हैं और आप क्या पसंद करते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आप में रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है। यहाँ थ्री ऑफ स्टार्स है। थ्री ऑफ स्टार्स के साथ कुछ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं जाना पड़े या आपको कहीं जाना पड़े दूर। और ये चीज आपको कहीं दूर ले जा रही है इस वीक में। आप जो भी स्टार्ट करें, जिस भी वजह से कहीं जा रहे हैं, स्पेशली अगर ये वर्क है, तो यहां पर कुछ ग्रेट स्टार्ट होने वाला है। कुछ ऐसा जो
आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप जो कुछ भी करेंगे इस वीक में उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, पूरी तरह से आपका कंट्रोल रहेगा अपनी लाइफ पर। आप एडमायर्ड हैं, आप लाइक्ड हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। पर यहां द चैरियट के कार्ड के साथ टॉरस, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके लाइफ पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप जहां चाहे वहां अपने लाइफ का चैरियट ले जा सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में पूरी स्पीड से बढ़ सकते हैं। कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके मन में डाउट्स हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको यहां बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आखिर चीजें इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है, इतना आसान रास्ता कैसे हो सकता है, और क्या ये डायरेक्शन सही भी है या नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको दूसरों के एडवाइस की जरूरत है, सब कुछ होने के बावजूद भी। हालांकि ये जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Spare, Master, Nine of Moon, and Pope. So हमारे पास यहाँ पर टेन ऑफ स्पेयर है। लग रहा है टॉरस कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रहे हैं, आप हर किसी के ड्रीम्स का बोझ अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की एक्सपेक्टेशन को ना नहीं कह सकते, आप किसी के एक तरीके से आप किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस बात का हर कोई फायदा उठा रहा है, या मास्टर के कार्ड के साथ हर किसी को लगता है कि आप उनके सपोर्ट के लिए आगे आएंगे, और इसलिए यहां पर हर कोई मौजूद है और आपसे हेल्प चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप करेंगे, आप ना नहीं करेंगे। और यहां नाइन ऑफ मून के साथ चीजें थोड़ी डिफरेंट है। आपसे यह कहा जा रहा है टॉरस की बेशक आपके अंदर क्वालिटीज है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर टैलेंट है, या ये इस सिचुएशन से लड़ने का करेज है, फिर भी आपसे कहा जा रहा है कि अपने आपको पैम्पर कीजिए। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। शायद बहुत वक्त हो गया जब से आपने अपने लिए कुछ किया है, तो यहां पर आपका अटेंशन पाने का वक्त है। दूसरे लोगों को वो आपको वापस करना होगा जो उन्होंने आपसे लिया है। ये ऐसा है जैसे कि जो आप डिजर्व करते हैं वो अब तक आपको नहीं मिला था और अब वो मिलने का वक्त है। तो इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए। और यहां कार्ड है पोप का, पोप के कार्ड के साथ यहां पर आप बहुत समय से फंसे हुए हैं शायद, या स्टक है इस सिचुएशन में। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने ऑलरेडी अपना 100% दे दिया है और जो आप कर सकते थे आपने कर लिया है, तो आप अपने विजडम को यूज कीजिए, अपने दिमाग से चलिए। और दूसरों की एडवाइस आप डेफिनेटली ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, लेकिन फिर भी लास्ट में आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल चाहता है, एंड आपका इंट्यूशन ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। सो बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। यहां एक बैलेंस होना चाहिए। डिसबैलेंस जहां भी क्रिएट होता है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ जाता है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए और एक मैसेज क्या है। कृष्णा, डिवोशन,
Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. आपको अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट करना चाहिए. अब यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस का मतलब ये है कि जो भी चीजें आपको साइन में नजर आ रही हैं, जो भी चीज आपको ड्रीम में नजर आ रही हैं, जो भी चीजें आपको आसपास नजर आ रही हैं, वो सब यूनिवर्स ने आपको एक मैसेज देने के लिए आपके पास भेजी है. उस पर फोकस कीजिए. आपका जो कमिटमेंट है वो रिकग्नाइज किया गया है. यूनिवर्स आपके कमिटमेंट को समझ रहा है और आपको अनकंडीशनल लव दे रहा है. तो डेफिनेटली आप चाहें जो वो अपने आप को बना सकते हैं. एंड यहां पर आपको अपने बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है. ओके, तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के सेकेंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.